Assalamu alaikum students. Welcome in the class of second year chemistry. We are studying alcohols, phenols and ethers. And in this chapter, we will discuss today industrial preparation of methyl alcohol and the distinction between methanol and ethanol. So in earlier days methanol was prepared by distillation of wood. ठीक है, तो पहले जो है पुराने जमाने में methanol prepare किया जाता था wood की distillation से, wood को distill करके, इसलिए हम इसको wood spirit भी बोलते हैं. ठीक है, nowadays methanol is prepared from carbon monoxide and hydrogen or water gas as follow. तो अब जो है हम कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अंडर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन वी विल गेट मेथनॉल. ठीक है, तो ये जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, इसको हम वाटर गैस बोलते हैं. सो यू शुड रिमेम्बर दिस दैट द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दिस इज टर्म्ड एज वाटर गैस. इसको हम वाटर गैस बोलते हैं. ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है. ओके, तो इंडस्ट्रियली जो है हम मेथनॉल को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, दिस इज द फ्लो शीट डायग्राम. ठीक है, पीछे पिछले वाली स्लाइड में हमने इस रिएक्शन की इक्वेशन देखी, यानी हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी इस मिक्सचर को हम गैस प्योरीफायर में से गुजारते हैं. ठीक है, और गैस प्योरीफायर में पहले इन गैसेस को प्योरीफाई किया जाता है और इस मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस. ठीक है, आफ्टर प्योरिफिकेशन दीज गैसेस देन पासेस थ्रू द कंप्रेसर अंडर 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर. इन दोनों गैसेस को कंप्रेस किया जाता है. ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर भी ये दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज प्योरिफाइड. सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, इसके मिक्सचर को प्योरिफाई करेंगे. इट इज कंप्रेस्ड अंडर अ प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर्स और ये अंडर 200 एटमॉस्फेयर्स इन गैसेस को कंप्रेस किया जाएगा एंड देन टेकन इनटू रिएक्शन चेंबर बाय मींस ऑफ कॉइल्ड पाइप्स. ठीक है, सो दिस इज द यू नो कैटलिस्ट टावर. राइट, आफ्टर कंप्रेशन दीज गैसेस दे विल पास थ्रू द कैटलिस्ट टावर. वो कैटलिस्ट टावर में से गुजरेंगी. ठीक है, और कैटलिस्ट टावर में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड एज कैटलिस्ट के तौर पर फिल्ड होता है और इस टावर का टेम्परेचर है 450 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके बाद ये अंडर स्पाइरल पाइप के जरिए, ठीक है, इसे रिएक्शन चेंबर में से गुजारा जाएगा और रिएक्शन चेंबर में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दे विल रिएक्ट विद वन अनदर एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल. ठीक है, मेथनॉल जो है वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा. ठीक है, और यहां से हम मेथनॉल को ड्रेन कर लेंगे और जो इसके अंदर रिएक्शन चेंबर के अंदर जो अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है वो इस रीसर्कुलेशन पंप के जरिए दोबारा से यहाँ पर कंप्रेसर में आ जाएंगे. ठीक है, तो अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इस रीसर्कुलेशन पंप के जरिए दोबारा से इस कंप्रेसर में आ जाएंगी और ये दोबारा से इस रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगी. ठीक है, तो इस तरह से हमें इस सारे प्रोसेस के जरिए हमें मेथनॉल जो है वो मिल जाएगा. सो दिस इज द ओवरऑल फ्लो शीट डायग्राम फॉर द इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल. Next, we will see the distinction between methanol and ethanol. So, how you can distinguish between methanol and ethanol? Methanol is CH3OH and ethanol is C2H5OH.
अच्छा जी, इसमें क्या है कि जो एथनॉल है दिस गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। यानी एथनॉल जो है आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्ट करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ येलो क्रिस्टल्स इंडिकेट दैट द अल्कोहल इज एथनॉल। और अगर आपको येलो क्रिस्टल्स मिल जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि वो वाला अल्कोहल जो है वो एथनॉल है, जबकि मेथनॉल जो है ये टेस्ट देता ही नहीं है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर में आता है। तो अगर आपको आए डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल, तो आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपको ये वाला रिएक्शन जो है वो भी देना है। तो कोई भी यानी अल्कोहल है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज इथाइल अल्कोहल या आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन हमने लेने हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, 6 फॉर्मूला यूनिट्स NaOH के यूज करेंगे, ठीक है। और इससे हमारे पास ये आयोडोफॉर्म जो है दिस इज येलो पीपीटी, वो येलो पीपीटी सॉल्यूशन के अंदर बने। इसके अलावा सोडियम फॉर्मेट बनेगा प्लस N5 NaI सोडियम आयोडाइड के प्लस 5H2O। तो बेसिकली एथनॉल जो है उसकी इंडिकेशन है डिफॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म का कलर जो है वो होता है येलो, ठीक है। तो इस तरह हम एथनॉल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेथनॉल को आयोडीन और NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे, देयर विल नॉट द फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी। तो ये क्लियर क्लियर इंडिकेशन होगी कि अल्कोहल जो है अगर उसने येलो पीपीटी बना दिए तो वो एथनॉल है, और अगर येलो पीपीटी नहीं बनाए तो वो फिर कोई और अल्कोहल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एथनॉल और मेथनॉल दिया जाए उसमें डिस्टिंग्विश करना हो, तो एथनॉल येलो पीपीटी देगा और मेथनॉल जो है वो येलो पीपीटी नहीं देगा। सो दिस इज द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।